के लिए। आज मॉर्निंग बहुत लेट निकले, सुबह अभी 5 बजे। पूरे 1 महीने बाद ही यहाँ से निकल रहा हूँ। आज मैं 1 महीने पहले जो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था उसके कारण तो मैं 1 महीने तक जा भी नहीं पाया। देख रहे हो पूरा अंधेरा है, बहुत कम लोग हैं जो आज मॉर्निंग वॉक में निकले हुए हैं। देख रहे हैं पूरा रोड खाली है, कुछ ही लोग हैं जो इस समय सफ़र कर रहे हैं, बाइक्स वाले या ऑटो रिक्शा वाले। देख रहे हैं ये इनके गाने चल रहे हैं सुबह सुबह। ये रोड है सामने का पूरा, ये तो बताइए फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं। कोविड का टाइम चल रहा, आप सब घर में होंगे, कैसी लाइफ स्टाइल है आपकी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी बहुत सारी वीडियोज हैं जो मेरी इसके अंदर हैं, मैं कोशिश करें कि आप भी मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें दोबारा से। लाइफ में प्रॉब्लम्स बीमारियां चलती रहती हैं हर समय, वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन हमें क्या हर समय चलते रहना चाहिए। और यहाँ पे जोश बनाए रखना चाहिए, ये लाइफ है जो हमको जीनी है जब तक हम इस दुनिया में हैं, जिंदा हैं। निशान दिखाता हूँ जो मेरे एक्सीडेंट्स के थे। हाँ ये सारा आपको दिख रहे होंगे, ये एक्सीडेंट के हैं। जो 1 महीना पहले हुआ था मेरा स्कूटर स्लिप होने से, उसमें यह हथेलिया भी थोड़ा सा काम करने मुझे प्रॉब्लम आने लग गई थी, इसके अंदर छिल गया था पूरा यहाँ से। कम से कम 15 लगभग 20 दिन लगे मुझे ठीक होने में, इसको घावों को भरने में। अब ठीक है, तो सिर्फ निशान बाकी रह गए हैं। कोई नहीं, एक नई शुरुआत है 1 महीने बाद दोबारा से मॉर्निंग वॉक की एक्सरसाइज के लिए। मैं आपसे भी कहूँगा आप भी अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करें, रूटीन चेंज करें, कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशन है ये भी निकल जाएगी। लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहती हैं, निकल जाती हैं, सब कुछ चलता है लाइफ में, ये भी निकल जाएगा। खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, आनंदित रहें। अपने परिवार का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और सुरक्षित रहें। और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें। अगर कोई क्वेश्चन हो मेरे लिए, मेरी हेल्प की आवश्यकता हो आपको, तो आप नीचे कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं इसके लिए। और भी कई वीडियोस हैं मेरे इस समय, कुछ साइनस के ऊपर हैं और अस्थमा के ऊपर हैं, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि और भी नए वीडियोस बना सकूँ इसके अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर, जो बीमारियां हैं। जो जगह है ये रंजीत नगर है, जिस रोड पर हम चल रहे हैं, ये इसे 60 फुट रोड बोलते हैं। पूरा रंजीत नगर कॉलोनी है, ये वाटर सप्लाई का है शायद, हाँ वो टैंक दिखा होगा उसका।
बिजली वितरण केंद्र ये 80 पॉइंट आ गए, सम लेफ्ट चलेंगे अब। इस समय 1.5 किलोमीटर चल लिए हैं अपने घर से। देख रहे हैं जगह जंगल सा है, ये अलवर का रिजॉर्ट मैदान है, ये आर्मी के अंडर में है पूरा। ये यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो राइट एक ब्रिज आएगा, रेलवे ब्रिज क्रॉस करने के बाद राइट साइड में आर्ट्स कॉलेज है, और सीधा जाएंगे तो जेल सर्कल आता है। फ्रेंड्स हम एक आज की सिचुएशन पे हम तो बात करें, जो कोविड चल रहा है इसमें इसमें चीज़ थोड़ा ध्यान रखें, जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, इश्यू है, पहले से सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ENT की कोई प्रॉब्लम है पहले से, लंग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो लोग थोड़ा इसमें सावधानी बरतें। और जिनको अस्थमा है, एलर्जी है, वो लोग थोड़ा सावधानी रखें इसके अंदर, क्योंकि जो लोग जिन लोगों को ज़्यादा हो रहा है या जिनकी उम्र ज़्यादा है इस समय, उनको ये चीज़ ज़्यादा पकड़ रही है। इसलिए अच्छा खाएं, अच्छा फूड स्टार्ट करें कि आपका इम्यून सिस्टम इंक्रीज़ हो। अगर आपका एलर्जिक रिएक्शंस हैं तो उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन लें, अस्थमेटिक हैं तो उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन लें, साइनस है उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन लें, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। कुछ भी ऐसा सर्दी खांसी हो आपको, या इन्फेक्शन हो, या कोई भी ऐसी ऐसा इशू है जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो आपको, या ना आपकी नाक बंद रहती है और समय, उस समय थोड़ा ध्यान रखें, उनको ये कोविड होने के चांस ज़्यादा हैं इस समय। और घबराए नहीं, नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश करें, डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, गहरी सांस लें, और जितना हो सके उसको रोकें सांस को, जिससे कि आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ सकें और प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे अंदर शरीर में जा सके। लगभग 2 किलोमीटर तो हो गए होंगे अभी चलते चलते, नहीं जंगल है, इसके पीछे जाएंगे तो यहाँ पर मैदान है बहुत बड़ा, ये आर्मी सामने देख रहे होंगे, जो ब्रिज है जो मैंने आपको बताया था वो ब्रिज है पूरा, है सीधा, ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के ऊपर माउंटेन के ऊपर जा रहा हो सीधा। दोस्तों आप भी अपनी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करें, लॉन्ग वॉक करें, मसल से स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो सके। जो लास्ट ईयर में हम आते थे घूमने के लिए, जो सारे छोटे छोटे से थे, अब सब बड़े हो गए। देखो यहाँ पर इसमें देख रहे हो आप, जो ये पट्टे से रखे हुए हैं इन्हीं के ऊपर जो अनाज आता है बोरी ये रखा ब्रिज है। देखो कितना सुंदर ब्रिज है यहाँ पर, जो गवर्नमेंट ने बनाया था, सुंदर बनाया गया है, जो पेंटिंग कितनी सुंदर की गई, ये राजस्थानी स्टाइल है सारा। ये
प्रेस कर सकती है, जैसे कि जो भी नोटिफिकेशन तो आपको मिलते रहे, कुछ जो मेरे पहले के वीडियो हैं वो भी आप देख सकते हैं, और आने वाले समय नए वीडियो जाएंगे वो भी आप देख सकते हैं। हाँ, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर छोटे से बर्तन रखे हुए हैं मिट्टी के, इसमें क्या है लोग आकर यहाँ पर पानी दे के जाते हैं, जैसे वो पक्षी वगैरह हैं वो पानी पीते हैं। एक दो तीन कुछ उस तरफ भी आगे की तरफ। हाँ, ये जो रास्ता देख रहे हैं सीधा जेल सर्किल आएगा सामने, और राइट साइड में क्रॉस पॉइंट मॉल है, और ये सामने जंगल देख रहे हैं पूरा, ये मतलब ये आर्ट्स कॉलेज है, ये आर्मी कंटेनमेंट है। सावधानी रखें, यहाँ बाहर निकलते हैं तो सावधान रखें, मास्क पहने। अभी तो मैंने मास्क इसलिए नहीं पहना है, मॉर्निंग वॉक के लिए मुँह में, वेट कंट्रोल करिए अपना, ध्यान रखिए, कोई भी थोड़ा बहुत इश्यू होता है कोई तो सावधानी रखें, जरूरी है कि वो कोविड ही हो आपका, सावधानी रखनी ज़रूरी है। और कमेंट्स करिए आपको वीडियो कैसा लगा, कि मैं और ज़्यादा अच्छे वीडियो बना सकूँ आगे, अगर आपको कोई टॉपिक हो।